चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। गरीब थे लोग, लेकिन फिर भी मतलब जब अपना टुकड़ा बढ़िया खा रहे थे, आज टुकड़ा भी नहीं हाथ किसी का। गरीब आदमी पैसा में इतना परेशान है आज। अपने नमक भी लो, अपना तेल भी लो, अपना अनाज भी लो, वापस लो, डबल करके लो, लेकिन जो हमारे पिछले भाव थे सारे वही दे दो। 270 रुपए का सिलेंडर, 45 रुपए हमें पेट्रोल मिल रहा था, बिजली का बिल हमारा क्या कह रहे, एक एक महीने का 100-125 रुपए का था, अब एक एक महीने का 1000 बिल आ रहे हैं ना। कांध ले जाने के लिए 100 रुपए तो बाइक में तेल गिरवा लो, इतने आकाश पे पूछ गए, 110 से कम नहीं डालते, बताओ फिर क्या फायदा है इस सरकार में। हमें तो नुकसान ही नुकसान है, कोई हिल्ला नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, सब मोटे आदमी को मिले, मोटी फार्म को मिले, तो हमें संघर्ष करने की जरूरत। हम समाजवादी लोग आपको गले लगाने हैं। परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। कितना विकास हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है। कि मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की शामली विधानसभा सीट के गंगेरू गांव में हैं, और इस गांव की खास बात ये है कि ये कांधला ब्लॉक की सबसे बड़ी पंचायत है, और हमारे सामने ये चाय की टपरी है, यहाँ पर लोग बैठते हैं, अक्सर नुक्कड़ों पे लोग चाय पीते हैं। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उन्हीं चुनाव की चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं लोगों के, किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करने वाले हैं, इन्हीं बातों को हम साथ में चलते हुए लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन लोगों के क्या मुद्दे हैं। जी नमस्कार चाचा। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। क्या माहौल बनने वाला है, या लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? ये बात। भाई मुद्दा तो यही है, इलेक्शन है, इसमें तो कुछ ना कुछ मुद्दा तो उठाते रहते हैं राजनीतिक लोग है? कोई कहेगा ये सरकार अच्छी नहीं है, कोई कहेगा भाई मुलायम की अच्छी है, फिर सरकार तो सब कुछ मिला के ठीक ही है, फिर ज़्यादातर महंगाई नहीं सीधे कर रखी गरीब लोगों को, सौकारों का कुछ नहीं बिगड़ा, गरीब मारे गए, बेरोजगारी, धंधे सब खत्म, मजदूरियाँ सब खत्म, मजदूर लैन परेशान है इस सरकार में। आपको लगता है कि कुछ ऐसे काम रोजगार को लेकर काम हुआ हो, या जो गरीब आदमी है उसको लेकर काम? ऐसा कुछ नहीं हुआ, गरीब तो इस सरकार में परेशान है, बस पूछो मत, खाने के भी लाले हो रहे हैं मजदूर, रोजगार नहीं है, जहाँ 10 आदमी काम करते थे वहाँ भी एक मशीन आ जाती है, मशीन वो 5 मिनट में करके चली जाती है, जहाँ 10 बंदे काम करते थे, बेरोजगार खत्म हो। किस तरह से परेशान है थोड़ा सा बताइए कि क्या दिक्कतें हो रही है मजदूर को, अगर महंगाई की मार पड़ रही है, उस तरह के काम रोजगार है या नहीं है? नहीं जी, रोजगार नहीं है, मजदूरी तो बढ़ी नहीं हमारी, मजदूर का मजदूर रह गए, जो थी हमारी पहली मजदूरी वही मजदूरी अब है, और महंगाई होगी, हम परेशान है। क्या आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में जो सरकार रही है, 4 जी, सालों जी, में जी। आपके लिए कुछ ऐसे काम किए हो सरकार ने, रोजगार या शिक्षा स्वास्थ्य इन सब पर बात हुई हो, काम किए हो, आपको लगता है? भाई हमें तो इतना मालूम है इस सरकार में कि काम इस सरकार में ये गुंडागर्दी तो बिल्कुल ख़त्म होगी, लेकिन रोजगार जो है नहीं, पहले 300 कमा के लिए आवे थे ना तो उसमें पूरा परिवार छक लेता, अब जो है ना अगर बाइक पे भी जावे ना, कांध ले जाने के लिए 100 रुपये तो बाइक में तेल गिरवा लो, इतने आकाश पे पूछ गए, 110 से कम नहीं डालते, बताओ फिर क्या फ़ायदा है इस सरकार में। हमें तो नुकसान ही नुकसान है, कोई हिल्ला नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, सब मोटे आदमी को मिले, मोटी फार्म को मिले। जनता किस तरह से देख रही है, क्या होगा? जनता पे तो भारी मार पड़ रही है, अभी पीछे लॉकडाउन में घरों से निकलने के लिए आदमी को परमिशन लेनी पड़ती थी, कहीं बाहर जाते बंदे काम करने के लिए जाते हैं, उनके परमिशन बनने के लिए कई कई दिन लग जाते थे, बाहर जाने के बाद भी कारोबार ख़त्म हो गए क्योंकि कोरोना की मार पड़ी है। सरकार ने कुछ बंदोबस्त किए जिन लोगों सरकार का यही बंदोबस्त है, जो राशन मिला है बस ये बंदोबस्त है, इसके अलावा कोई बंदोबस्त नहीं, बंदोबस्त हुआ है कि महंगाई का हुआ है। अब ही भाई ने बोला कि यहाँ से कान ले जाएंगे तो 100 रुपये पेट्रोल डलवा के जब जाएंगे, मजदूर आदमी कहाँ तक पूर्ति करेगा, ये बताइए मेरे को। आपने अपने जीवन में बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, एक तरह से जो जो हालात आज एक आम आदमी के हो गए हैं, क्या पहले कभी ऐसे हुआ है? आज तक अपनी अपनी होश में तो देखा नहीं हमने, इतना अनाथ हमने अपनी होश में नहीं देखा, गरीब आदमी इतना परेशान, यानी इतना गरीब थे लोग, लेकिन फिर भी मतलब जब अपना टुकड़ा बढ़िया खा रहे थे, आज टुकड़ा भी नहीं हाथ किसी का, गरीब आदमी पैसा में इतना परेशान है आज। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या माहौल नजर आ रहा है? हम तो भाजपा के भाई, भाजपा को वोट देनी और हमें किसी से कुछ नहीं लेना,
कुछ पांच काम कुछ बदलाव काम बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया काम, पांच या दस काम बताइए भाजपा के जो सड़क को सही कर रहे हैं। सड़क सही है, आपको क्या लगता है ये सही कह रहे हैं? नहीं सही कहा कह रहा, वो जिसको गल्ला मिल रहा वो तो सही है, बस जिसको मिल गया वो तो सही है। क्या मिल रहा बता क्या मिल रहा, यूँ बताओ वो मिल रहा, तेल भी मिल रहा, नमक भी मिल रहा, चना भी मिल रहा, उसे उल्टा ले लो अपना, जो हमारे पिछले भाव थे सारे वापस दे दो हमें, अपने नमक भी लो, अपना तेल भी लो, अपना अनाज भी लो, वापस लो, डबल करके लो, लेकिन जो हमारे पिछले भाव थे सारे वही दे दो। 270 रुपए का सिलेंडर, 45 रुपए हमें पेट्रोल मिल रहा था, बिजली का बिल हमारा क्या कह रहे, एक एक महीने का 100-150 रुपए का था, अभी एक एक महीने का 1000 बिल आ रहे। पहले कच्चे बल्ब जलते थे, हीटर चलते थे घरों में, अभी क्या है LED बल्ब जल रहा केवल, और उसका भी 1000 रुपए बिल। अपना सब वापस ले लो, लेकिन हमारा सारा भाव पिछला वापस दे दो। राशन जो है जो जनता टैक्स देती है उसके पैसे से वो राशन मिल रहा है, किसके? हाँ मैंने पता, सरकार भाजपा की है, मिल रहा। अच्छा भाजपा की सरकार बोरी क्या उस नाज को, सारा हमारा नहीं जा रहा, वो टैक्स कितने बढ़ा दिए, हर चीज पे टैक्स है। अरे कहाँ हो जगह, एक बैटरी में सेल डालते थे 6 रुपए का आता था, आज 25 रुपए का सेल है, वो कहाँ से आ रहा? गंगेरू जो है कांडला ब्लॉक की बड़ी पंचायत है जी, अक्सर बुनकर का असंगठित मजदूरों का क्षेत्र है जी, जी। तो क्या उन मजदूरों के लिए यहाँ पर इस तरह के काम हुए, सरकार द्वारा बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलती है हथगर के तहत, तो क्या इन मजदूरों को इन 5 सालों में ऊपर आने का मौका मिला या सरकार ने कोई मौका नहीं मिला? नहीं, बुनकरों की योजनाओं की मैं ज्यादा नहीं कहता, 25-30 साल पुरानी बात करता हूँ, जब ऊपर से बराबर योजनाएं आती हैं बुनकरों के लिए, हमेशा योजनाएं हैं, ना पहले थी ना अब है, लेकिन अब जो जो महंगाई होगी इसमें बुनकर बिल्कुल समाज खत्म हो गया, अपने बच्चों को पाल ही नहीं पा रहे। बुनकर के लिए पहले भी थी योजनाएं, आज भी हैं, लेकिन धरातल तक नहीं है, सब खत्म हो जा, पहले भी यही था आज भी यही है। अब महंगाई बहुत ज्यादा होगी, अब पहले तो जैसे तैसे करके बुनकर अपना काम चलाते थे, सारे बच्चे बीवी औरतें जितने घर में रह के काम करती थी चला रहे थे काम, मजदूरी निकल रही थी, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया, क्योंकि पिछले महीने तक 5% टैक्स था इन पे, अभी 12% कर दिया, कितना कमाएंगे? कच्चा ये कबाड़ा जो कच्चा माल लाते हैं, कबाड़ा लाते हैं, कबाड़ा उसको संवारते हैं, उसको संवार के उससे माल तैयार करते हैं, इनके लिए तो वो दुभर हो गया, उस कबाड़े में भी नहीं तो 12% टैक्स देना पड़ गया, कहाँ से खाएंगे? सरसों का तेल, दालें, पेट्रोल, बिजली कहाँ जा लिए सब भाव, दूध और है नहीं, कमाल की बात ये है नहीं, उस वक्त मंदा था तेल और स्पेशल तेल था, आज 200 रुपए किलो भी तेल नहीं मिलता, वो भी मिलावट मिलावट। बहुत सारी पार्टियां दावेदार है उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में विधानसभा में, आपको क्या लग रहा है किस तरह से समीकरण बनेगा या बदलाव होगा, क्या होगा? देखो जी, किसी और क्षेत्र की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा लोकदल बाजी मारेगी, सपा लोकदल का जो गठबंधन है वो बाजी मारेगा, क्योंकि गरीब तबका जितना भी है ममडन तबका है, और इनको क्या चाहिए, सारा चाहिए, डूबते को तिनके का सारा चाहिए, अब इन्हें सारा मिल रहा है जाटलैंड का, तो मिलने को तैयार हैं हम। उत्तर प्रदेश के शामली विधानसभा सीट पर थे और गंगेरू गांव में, जो यहां पर असंगठित मजदूरों का क्षेत्र है जहां पर बुनकर का भी काम होता है, हम यहां चाय की टपरी पर थे और हम लोगों ने यहां पर लोगों से बात की, अलग अलग लोगों के मत है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इस बार जो गठबंधन में जो सरकार आ रही है अखिलेश और जयंत जी के साथ मिलकर, उसको लोग चुनना पसंद कर रहे हैं, और पिछली सरकार से वो परेशान है, महंगाई के मुद्दे को लेके परेशान है, और इसी के साथ साथ लोगों का कहना है कि वो इस बार लोक दल को सपोर्ट कर रहे हैं। चलचित्र अभियान से जुड़े रहे, उत्तर प्रदेश की चुनावी खबरें पाने के लिए धन्यवाद।